हाल ही में अमेरिका की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस सेलिना गोमेज ने एक कन्फेशन किया। उन्होंने कहा कि वो लंबे वक्त तक साइकोटिक डिसऑर्डर से पीड़ित थी। इससे लड़ने में, इससे बाहर निकलने में उन्होंने कड़ी मशक्कत की है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आखिरकार वो इससे बाहर निकल गई हैं। इसके बाद साइकोटिक डिसऑर्डर पर काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है, और जिसमें ये सामने आया है कि क्या वजह है कि वो लोग ज़्यादातर जो चकाचौंध की दुनिया में रहते हैं, जो सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करते हैं, जिन्हें लग रहा है कि वो समाज के खास वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, वो ज़्यादातर इस साइकोटिक डिसऑर्डर का शिकार हो रही हैं। बॉलीवुड में भी कई ऐसे बड़े नाम रहे हैं जो साइकोटिक डिसऑर्डर का शिकार हुए हैं और आखिर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार मानी। आपको बता दें कि साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है। दरअसल ये एक असामान्य तरीके से मन के अंदर पैदा हुए भ्रम की स्थिति है, जिसमें आप ये मानने लगते हैं कि कुछ बहुत विशेष आपके साथ हो रहा है। आप ये भी मान सकते हैं कि जो नहीं है दरअसल आपको लगता है वो हो रहा है। एक भ्रम की स्थिति, एक कंफ्यूजन की स्थिति लगातार आपके साथ रहती है, और ये एक बड़ी वजह है। सबसे बड़ी बात है कि आप दिन ब दिन इनसिक्योर होने लगते हैं, असुरक्षा की भावना आपके अंदर आने लगती है। असुरक्षा की भावना आने तक की बात नहीं है, उसके बाद आप सेल्फ हार्म जैसी चीज़ें शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है सेल्फ केयर को लेकर के आपका जो रवैया है वो बदलने लगता है। यानी कि आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, आप लगातार, हो सकता है कि एक ही तरीके से रहना, कई कई दिनों तक सोना पसंद करें, साफ़ सफाई का ध्यान ना रखें, लोगों से मिलना जुलना धीरे धीरे कम कर दें, बातचीत बंद कर दें। तो ये एक तरीके का गंभीर अवसाद बन जाता है इंसान के दिमाग में, जो आखिरकार मौत तक पहुंच जाता है। कई ऐसे मामले रहे हैं साइकोटिक डिसऑर्डर के, जिनका अगर वक्तिया इलाज ना हुआ या फिर उनके आसपास के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया है, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। इसलिए इसका सबसे बड़ा इलाज यही है, सबसे पहले खुद को पॉजिटिव रखना और ये समझ कर चलना कि ज़िंदगी में जो आज है वो कल नहीं है, और ये सबके साथ है, मोमेंट्री ज़िंदगी है, और इसे उसी तरीके से जिया जाए, उतना ही सीरियसली लिया जाए, और अपनों का साथ किसी भी हाल में ना छोड़ा जाए।